ये कुछ इस प्रकार की यहाँ की गलियां हैं। देखिए ये यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर चिकन रखे हुए हैं जो ये इनका भोजन है। ये थोड़े दिन बाद ये एज ए भोजन के रूप में जाएंगे भाई। ये अभी खैर मना लो भाई। ये क्या हुआ, खत्म हो गया क्या, मर गया क्या, ये सो रहा है? अच्छा। और यहाँ पर गेहूं साफ कर रहे हैं दादाजी। ये गेहूं क्या आपको गवर्नमेंट से मिले हैं क्या? अच्छा, ये है भाई गवर्नमेंट के यहाँ पर गेहूं जो है। अंदर कंकड़ तो बहुत ज्यादा है भैया, देखो ये। और रे भाई साहब बहुत ज्यादा कंकड़ है ये, देखो ये है। तो आपका राशन बना हुआ है? तो कितना मिलता है आपको एक आदमी पे? एक आदमी को मिलता है 4 किलो। एक आदमी को 4 किलो मिलता है। अच्छा, तो आप घर में कितने जने हो? हम तो है दो। हाँ, दो चार। हाँ, सात। सात जने हो तो 7 × 28 किलो मिलता है आपको? नहीं, 28 नहीं मिलता है। अच्छा, तो राशन में कितने जनों का नाम है? नाम है दो जने, तो एक नाम है लड़की। अच्छा। है मेरी एक लड़की है, उसकी। अच्छा, मतलब एक जने के हिसाब से 4 किलो मिलेंगे आपको? तो 8 किलो मिलता है। 8 किलो? 8 किलो हमको मिलता है वो। तो 8 किलो मिलता है, इसका मतलब तो राशन में 2 जनों का ही नाम होगा। 3 जने का है? नहीं, 4 हमारे नाम है। हाँ। 4 जने का हमारे को चावल गेहूँ मिला के 20 किलो मिलता है। अच्छा, चावल भी मिलते हैं? हाँ। और क्या मिलता है? गेहूँ मिलता है, बस दो ही चीज मिलती है। बहुत कम मिल रहा था, बाकी दाल वगैरह कुछ नहीं मिलते? कुछ नहीं, बस चावल गेहूँ, बस सिर्फ यही दो ही मिलते हैं। अच्छा, बाकी आपका काम क्या है, आप क्या क्या करते हो दादा? बेटे अब काम करते हैं, कूड़ा कबाड़ा बिनते हैं सब। अच्छा, कागज वागज बोतल वोतल सब बिनते हैं। और ये कमरा आपका है? तो ये तो ऐसे नीचे है, पूरा खड्डा बना हुआ है, अंदर पानी वगैरह भैया इसी में रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितना यूं अंदर तक है, कम से कम 1.5 फीट नीचे है। और अंदर की साइड देखिए, ये पूरा इस प्रकार से नजर आया, और काफी बड़ा यहाँ पर एरिया है। ऊपर ये कच्ची छत है, तो इस प्रकार से एक दरवाजा उधर भी है। और तो इसमें कितने जने रहते हैं इतना बड़े एरिया के अंदर? 4-5 कमरे हैं। 4-5 कमरे अलग अलग? 4-5 मतलब यहाँ पे वो रहते हैं, फैमिली रहते हैं। 4-5 फैमिली रहती है। अलग अलग है, अलग अलग बना रखा। अच्छा अच्छा। तो अब आगे चलते हैं। देखिए आपको मैं थोड़ी गलियां दिखाता हूँ। ये छोटा बच्चा आया है, मुंह में हाथ में डाल बेटा। हाँ 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 हाँ, वही मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आगे की ये कुछ इस प्रकार की थी, ये तंग गलियां हैं। और हम आगे चल रहे हैं भाई, और ऐसा मक्खियाँ मक्खियाँ चारों तरफ। नमस्ते। गंदगी बहुत ज़्यादा है यार आपके तो। ये जो छोटे बच्चे हैं भाई यहाँ पर, ये देखिए चावल वगैरह खा रहे हैं, चरके चावल। और यहाँ पर ये इस प्रकार से दादा जो है वो बना रहे हैं नींबू का। ये तो दादा ये एक एक पीस कितने में बिकता है? 3 रुपए। 3 रुपए का? आ? अच्छा, तो आप कपड़ा नहीं बिनते हो? 500 लग जाएगा। आपका सिर्फ ये काम है ना? तो ये की 3 रुपए। तो ये टोटल कितने पीस बना देते हो एक दिन के अंदर? 100-150। तो 300-400 रुपए हो जाता है। तो उसमें से आपकी ये सब्जी के पैसे तो लगते ही होंगे? 80 रुपए किलो। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने 100 पीस बेचे हैं तो 300 रुपए हो गए 3 के हिसाब से। तो उसमें से आपका खर्चा कितना आ गया मिर्च और नींबू लाने का? इसमें सर जी कम से कम 200 रुपए तो जाते हैं। तो 100 रुपए बचता आपका? 150 रुपए बच जाता है आराम से एक दिन का। उसी से गुजारा चला रहते तो क्या करें सर? भाई साहब हालत काफी खराब है। तो इधर आपके और कौन कौन रहता है? हमारी घर वाली है। अच्छा, और बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे भी छोटे हैं। छोटे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं? हाँ, जो लड़की जाती है, लड़का। अच्छा, आपका क्या नाम बताया? राम नवल। राम नवल? राम रावल। और ये ढोल भी आपका ही है, बजाते हो इसको? हाँ, बजाते। शादी ब्याह में जाते हो ना? अच्छा अच्छा, शादी ब्याह के अंदर ढोल बजाने का काम भी इनका चलता है। और ऊपर देखिए स्टैंड बनाकर जो है वो इस प्रकार से सामान ऊपर रखा है, क्योंकि जगह छोटी है। तो अब सामान को किस प्रकार से ऊपर एडजस्ट करते हैं ताकि नीचे सोने वगैरह के लिए और रसोई के लिए यहाँ पर इनके लिए जगह बच जाए। हालत भाई खराब है पूरी आपके। तो
तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो भैया जी है वो इस प्रकार की कुछ ये चीज बना रहे हैं काले कपड़े के अंदर, ये जो बांधने का काम कर रहे हैं वो है, ये इस प्रकार से देखते हैं, चावल और मूंग, उड़द की दाल है, चावल और उड़द की दाल मूंग ये जो भी है ये इस काले कपड़े के अंदर बांधते हो, फिर ये आगे कितने में बिकता है? 5 रुपए 10 रुपए जो भी दे दे। अच्छा, तो ये तो होली पे, मतलब होली जो जलाएंगे उसके अंदर डालते हैं? नहीं, होली पे घरों पे लगाया जाता है। अच्छा, घरों पे लगाया जाता है। अच्छा, ताकि कोई नजर वजर नहीं लगे काले कपड़े की वजह से ना। हाँ भाई, कोई नजर, कोई भाई उल्टी छाया, कोई भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब नाम महावीर सुनावे, तो वो सही है। लेकिन ये कपड़े वपड़े सब ये तो अंधविश्वास की चीजें हैं, इनसे क्या होना है। लेकिन फिर भी ठीक है, इनका तो भाई चल ही रहा है, अंधविश्वास के पीछे जो है इनका तो रोजगार चल ही रहा है। तो एक 5 रुपए का बिकता है। तो जैसे ये तो अभी होली पे जैसे आप बना रहे हो, बाकी टाइम आप क्या करते हो? ढोल ताशे बजाते हैं भैया, ढोल वोल बजाते हैं लोग। अच्छा, ढोल शादी शादियों में, साया खत्म हो गया, होली के बाद साया चालू हो जाएगा, फिर हम काम करने लगे। अच्छा, तो ये अभी डेली बिकते हैं क्या, या होली पे बिकेंगे? खाली होली पे, सिर्फ होली पे बिकेंगे। यहाँ पर भाई लगा हुआ है नल का जो पानी आने वाला सिस्टम है, यहाँ पर ये लगा हुआ है ये, तो ये इस नल से कितने घर के लोग भर सकते हैं? गंदा पानी आता है, ऊपर ऊपर का पी लेते, नीचे का फेंक देते हैं। अच्छा, ऊपर का सब निकल जाता है तो बाद में भरते हैं, रोटी रोटी पानी के लिए जाता, ऊपर का पानी निकाल लेते, नीचे का पानी फेंक देते। तो ये मतलब हर 10-15 घरों के बीच में एक नल लगा हुआ है? हाँ, ये जो गाड़ी नहीं आ रही, ये कुआं लगा हुआ। हाँ, ये क्या लगा हुआ, ये को जो पलंग रखा है। अच्छा, उधर लगा हुआ। हाँ, 30 के आस पास, 30 के आस पास में एक नल। अच्छा, 30 के आस पास में एक नल, ऊपर से कम से कम 10-15 आते हैं इधर पानी, कभी भी पानी नहीं आता। और झगड़ा झगड़ा भी होता है? झगड़ा झगड़ा होने लगता है, अरे वो गिर गया। तो पीने का भी यही पानी है और धोने का जो कपड़े धोने का ये भी। भैया क्या करें, तो आप लोग जैसे नहाते नहाने की व्यवस्था किधर है, नहाते गाँव एंड पंप में? पैसे सबके सामने नहा लेते हो? अच्छा, तो यही खुले में नहाने का है व्यवस्था, और कोई व्यवस्था नहीं है? नाली तो कुछ नहीं है, सब कबाड़ पीछे नाली। तो ये जो नीचे पक्का बनाया, ये आपने अपनी तरफ से ही बनाया क्या? यही बनवा जब आप ये बना था, और ये तो हमने लकड़ लगा रखा है, बच्चे की टांग भी टूट गई थी, गिर पड़ा था इसी में। अच्छा, हाँ, ये जो पुल के नीचे नहीं है, वो जो पट्टी बांधता है, हाँ, वहीं पे बनवाता है। आप देख सकते हैं भाई ये हालात है, यहाँ पर इस प्रकार से फूक मार मार कर यहाँ पर चूल्हा जो है वो आंटी जी जलाने लग रहे हैं, और यहाँ पर खुले में इस प्रकार से खाना बन रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, एक तरफ ये इस प्रकार से खाना बन रहा है और दूसरी तरफ ये है गंदगी और नाला, और यही मक्खियाँ इस पर बैठकर उठ गए वापस इसी रोटी और खाने पर बैठते हैं, तो भाई बीमारी तो होनी होनी है। तो ये है यहाँ के बदतर हालात, और यहाँ पर ये इस प्रकार के छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, और खुले के अंदर है, और पानी रखने की व्यवस्था हम लगातार यहाँ पर इस प्रकार से डब्बों के अंदर देख रहे हैं, बाकी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं नज़र आ रही है। और ये छोटा बाबू, हेलो, ये इनका बचपन जो है वो दोस्तों इस प्रकार की ज़िंदगी यहाँ पर बीत रही है, जहाँ पर बड़ी बड़ी जो सिटी, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, इन जैसे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, लेकिन ये बेचारे जो है वो इन मक्खियों से खेल रहे हैं, अपनी अपनी किस्मत लिखा के आते हैं भाई ये इस प्रकार से।
सिर्फ कहने को मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ, मैं एक इंसानों की बस्ती में आया हुआ हूँ, लेकिन जो गली के कुत्ते या फिर कह सकते हो जानवर जो होते हैं वो भी इनकी हालात से काफी अच्छे तरीके से जिंदगी व्यतीत करते हैं, लेकिन कम से कम ये इंसान है और इंसानों की जो हालात है वो कुछ इस प्रकार की यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इतनी गंदगी यहाँ पर मैं तो सांस भी नहीं ले सकता, और ये दिन रात यहाँ पर लोगों की यहाँ पर पीढ़ियां बीत गई, इनके बाप दादा यहाँ पर गुजर गए, इनकी जन्म, आप लोगों का जन्म भी यही हुआ है ना, तो इन सब का ये जन्म भी यही हुआ है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं हालात काफी खराब देखने लग रहा हूँ, तो भाई कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी कह सकता हूँ, मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर रहने लग रहे हैं, हालात काफी खराब है भाई साहब। यहाँ पर एक और स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, जिस प्रकार से हमारे घरों के अंदर भाई जो रोटियां हैं वो बच जाती है तो हम किसी गाय को खिला देते हैं या फिर किसी कुत्ते को दे देते हैं या फिर बाहर सड़क के किनारे रख देते हैं, कोई भी जानवर खा लेता है, लेकिन यहाँ पर तो जानवरों से भी बदतर हालात है। तो यहाँ पर जो भैया जी है और ये दीदी लोग जो है वो हमें दिखा रहे हैं कि भाई रात का पड़ा हुआ जो खाना है वही वापस गर्म करके खाते हैं, वही रोटियां जो दो दिन पहले की पड़ी हुई हो, चार चार दिन की जो रोटियां पड़ी हुई वही वापस चावल वगैरह मिलाकर मसाला वगैरह डालकर उसी की सब्जी बनाकर वापस खा लेते हैं, तो रोटी बाहर तो नेगना छोड़। तो अब ऐसा भी होता है भैया जी, जैसे कोई जैसे बड़ी आप गली में कोई खड़ा कूड़ा करकट बीनने जाते हो, वहाँ पर सड़क किनारे कोई खाना वैसे डाला हुआ होता है? अच्छा भाई, जो बड़ी सिटी के अंदर बड़ी गलियों के अंदर जाते हो तो जानवरों के लिए बाहर चावल वगैरह रख देते हैं रोड के ऊपर? अच्छा, तो भैया हालात है, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, अब किससे मांगेंगे? सही जाते तो जो भाई सड़क के किनारे कुत्तों और गायों के लिए खाना रखा हुआ था वो भी उठा के ला के खाने में मजबूर यहाँ की जिंदगियां हैं, तो कुछ इस प्रकार के हालात हम लोग देख रहे हैं। और ये देखिए ठंडी रोटियों को वापस मिक्स करके यहाँ पर बनाया जा रहा है खाने के लिए, पानी और पानी भी डाला जाता है यहाँ पर। तो भाई हालात यहाँ पर काफी ज्यादा बदतर हालात है, लड़ रहे हैं मोबाइल के लिए भैया, बच्चे हैं भाई, पढ़ाई का यहाँ पर स्तर बहुत ही गिरा हुआ है, बच्चे एक नाम मात्र के कहने के लिए स्कूल जाते हैं, बाकी आता कुछ नहीं है यहाँ पर इनको, तो बिना पढ़े तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आज बिना पढ़ाई के तो आज का जमाना खराब है। पढ़ने जाते हैं बच्चे स्कूल में, आंगनवाड़ी में पढ़ने जाते हैं। पर आप देख सकते हो डॉक्टर भी बैठते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से एक कच्चे झुग्गी के अंदर यहाँ पर बना हुआ है इनके लिए यहाँ पर कुछ क्लिनिक है। तो डॉक्टर कब आते हैं बेटा? ये अभी तो उनके पापा की मृत्यु हो गई इसलिए गांव गए हुए। अच्छा, तो टाइम क्या होता है? ये शाम को आते हैं 5 से 10 बजे। 5 से 10 बजे? हाँ, मतलब कि अगर जरूरतमंदों के लिए अगर खराब स्थिति चल रही है तो कॉल करके आप बुला सकते हैं। कॉल करके बुला सकते? वो गवर्नमेंट के है क्या या प्राइवेट है? प्राइवेट है। अच्छा, तो ये भाई इस प्रकार से क्लिनिक भी है इस यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर इस बस्ती की जो है वो बच्चा पार्टी यहाँ पर हमें मिली है, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? अच्छा, ट्यूशन से? अच्छा, तो भैया अभी बच्चे जो है वो ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं, और स्कूल कौन सी में पढ़ते हो आप लोग? सरकारी स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर तू कौन सी क्लास में? तीसरी में। पहाड़ कहाँ तक आते हैं? तीन तक। तो भाई यहाँ पर पहाड़े काफी कम है, यहाँ पर आते ही नहीं है इस प्रकार। 8वीं में? हाँ, बहुत बढ़िया बात है भाई, तो पढ़ाई करके आगे बढ़ो। तुम लोग कूड़ा करकट तो नहीं बीनते हो ना? कूड़ा करकट बीनने कोई नहीं जाएगा, ठीक है? पढ़ के बड़ा आदमी बनना है, नौकरी लगनी है, ठीक है? आपके मम्मी पापा तो कूड़ा करकट बीनते है ना? नहीं बीनते। अच्छा, तो लगभग यहाँ पर कूड़ा करकट का काम है, तो तुम लोग पढ़ के अच्छे आदमी बनने हैं। ये गुड़िया भी है। तो ये बनाने के लिए आप लाए कहाँ से? पैसों से खरीद के लाए या गवर्नमेंट ने दिया? अच्छा, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। नहीं तो कबाड़े में इतनी बड़ी बड़ी पलाया कौन फेंकता है यार, कौन फेंकता है?
अच्छा खरीद के लाया। अच्छा ये टूटा टूटा है ना। हाँ। देखो वो निकला देख कितना खराब हो। अच्छा तो आपका जन्म यही हुआ। अच्छा यही बड़े हुए। मुझे